देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत सिंपल है। स्टीम इंजन यानी हीट इंजन का सवाल है। क्या कह रहे हैं, स्टीम इंजन डिलीवर 5.4 × 10⁻¹ जूल वर्क पर मिनट, यानी आपको डब्लू मालूम है जिसका रेट बता रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे आप जूल कहें चाहे जूल पर सेकंड कहें। ठीक, ये एक तरीके से आप पावर बता रहे हैं कि साहब इतना हम वर्क कर रहे हैं पर मिनट कर रहे हैं, नॉट सेकंड, मिनट कर रहे हैं। एंड द सर्विसेस 3.6 × 10⁻¹ जूल ऑफ द हीट पर मिनट फ्रॉम द बॉयलर। बॉयलर मतलब समझ रहे हैं, बॉयलर मतलब है कि आपके पास सोर्स है जहां से आप हीट एनर्जी ले रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, बाकी आप क्या करेंगे, सिंक को डिलीवर कर देंगे। जितना आप काम कर पाएंगे, 100% तो कर नहीं पाएंगे, जितना आप काम करेंगे, Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी ली, W वर्क डन किया और ये Q2 कर दी, चाहे आप जूल ले चाहे जूल पर मिनट ले। ठीक, तो आपने कहा हम बॉयलर से एनर्जी ले रहे हैं यानी Q1 ले रहे हैं, 3.6 × 10⁻¹ जूल प्रति मिनट। लो भैया, 1 मिनट में इतनी जूल एनर्जी ले ली। ध्यान दिया जाए, एनर्जी ज्यादा ले रहे, 10⁻¹ और वर्क आप केवल 10⁸ कर रहे हैं। सही बात है। सबसे पहले आपको इफिशियंसी निकालनी है। आप जानते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू W, जितना काम कर रहे हैं यानी प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक। जैसे कहते नहीं हाई स्कूल में कितने परसेंट आए, तो जितना मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स। बस काम बन गया। ये है आपका 5.4 × 10⁸, 3.6 × 10⁹। डिवाइड कर दिया जाए, ये हमको 9 के पहाड़े में दिख रहा है, 9 चौक 36 और 9 छंग 54, एम आई राइट? और भी दिख रहा है, ये 3/2, और जब आप 9 कर देंगे तो 10⁻¹ बचेगा बेटा, ये 9 है ऊपर 8, 1.5 × 10⁻¹ या आप कह सकते हैं इतना। आपने कहा नहीं सर, इफिशियंसी परसेंटेज में चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज का चिन्ह लगा लीजिए, यानी आपका सिस्टम 50% इफिशियंट है। तो एनर्जी आप जूल पर मिनट में ले रहे थे, वर्क डन भी जूल पर मिनट कर रहे थे, तो सब कट गया, आपका इफिशियंसी निकल आई। इसमें कह रहे हैं कितना वेस्ट कर रहे हैं पर मिनट। वेस्ट वाला क्या होता है, Q2 होता है। आप सभी बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर जो Q1 − Q2 होता है, सिंपल इक्वेशन दिख रही है, Q1 लिया, W अमाउंट ऑफ काम किया, बाकी जो बच गया उसको रिजेक्ट कर दिया टूअर्ड सी, तो Q2 निकालना है। तो आपका Q2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q1 − W हो जाएगा। और Q1 कितना है आपका, 3.6 × 10⁻¹। W आपका, ध्यान दें बच्चे यहाँ गलती करते हैं, पावर 8 इसका, जब बायोलॉजी वाले होते हैं, इसको 9 में बना लीजिए, ये प्लस का ही भैया, तो हो गया 3.6 × 10⁻¹ माइनस 9 बनाने के लिए किधर लिया बेटा, × 10⁻¹। बस आप घटा दीजिए 3.6 में से, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, वैसे करना नहीं चाहिए, आप लोग सीधे सीधे कीजिएगा, प्रैक्टिस में रख लीजिएगा, बिकॉज इन CBSE कैलकुलेटर इज नॉट अलाउ। ये आ रहा है हमारा 3.06 × 10⁻¹, और यूनिट आपकी हो जाएगी जूल पर मिनट, क्योंकि तो यही दोनों की यूनिट्स है। इसको आप देखिएगा 3.1 भी लिख सकते हैं। चीजें आसान है, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कर लेंगे।